स्वागत है पुनः एक बार आप सभी लोगों का। और मुझे यकीन है कि इसके पहले वाला जो वीडियो था उससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ऐसी जानकारियाँ ज़रूर मिली होगी जिन जानकारियों से आपको भविष्य में या फार्मेसी प्रोफेशन में जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। तो कुछ इसी तरीके से आज भी हम लोग जो है कुछ ऐसे ग्लासवेयर है जिनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में या पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने पिपेट तक देखा था कि पिपेट क्या है, और आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस ग्लासवेयर को पहचानने और जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप इस ग्लासवेयर को यदि आप देखें तो मैं बता दूं कि इस ग्लासवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक, हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है उसका हिंदी में मतलब होता है आयतन, है ना, कि जब हमें कुछ स्पेसिफिक या विशेष आयतन की आवश्यकता होती है तब हम लोग जो है इस ग्लासवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इस ग्लासवेयर का इस्तेमाल मुख्यतः हम लोग करते हैं जब हमें क्या बनाना हो, जब हमें विलयन बनाना हो, जब हमें क्या बनाना हो, सॉल्यूशन बनाना हो, उस समय हम इन ग्लासवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इन ग्लासवेयर की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें आपको विलयन जब भरना होता है या विलायक जब आपको भरना होता है, जब आपको सॉल्यूशन इसमें भरना है या विलेय आपको भरना है या विलायक यदि आपको भरना है तो आपको नापने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि सर क्यों नापने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यदि यह इसके ऊपर यह इसकी कैप होती है जो इस तरीके से निकलती है ना, यह कैप इसीलिए लगाते हैं ताकि यहां से जो विलयन है उसमें से जो विलायक है उस विलायक का क्या ना हो, विलायक का इवेपोरेशन ना हो, वह क्या हो, उड़ ना जाए, क्योंकि वह उड़ेगा तो कहीं ना कहीं विलयन का जो आयतन है वह कम होगा और हमारा जो विलयन है वह क्या होगा, वह ज्यादा सांद्र हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो विलायक है उसका वेपोराइजेशन ना हो, उसका वाष्पन ना हो, इसीलिए हम जो है इस कैप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर यदि आप देखें तो यहां पर यह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसके ऊपर इसका आयतन लिखा हुआ होता है। तो जैसे आप देखें कि देख पा रहे होंगे कि इस पर जो है 100 ml का आयतन लिखा हुआ है, अर्थात तो 100 ml का आयतन है, इसका क्या मतलब है कि यदि मैं यहां तक भरता हूं तो क्या यह 100 ml है, नहीं। यदि आप इसे पास से देखेंगे तो जब आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये जो इसकी ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहां पर एक ऐसी एक रिंग बनी हुई है और इस रिंग पर एक मार्क या चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि मैं बिना मेजरिंग सिलेंडर के भी यदि किसी विलयन या विलायक को यदि मैं इसमें भरता हूं और यदि मैं इस मार्क तक भरता हूं, यदि मैं इस मार्क तक भरता हूं तो वह 100 ml होगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय हमें जो है विलयन या विलायक के आयतन को मेजरिंग सिलेंडर से नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इनका जो मुख्य जो इस्तेमाल होता है वह डाइल्यूशन बनाने में, वह डिफरेंट कंसंट्रेशन के डिफरेंट सांद्रता के विलयन बनाने में इनका इस्तेमाल क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि सर यह कितने प्रकार के यानी किन किन आयतन के होते हैं। तो यहां पर आवश्यकता अनुसार यदि हम देखें तो 10 ml से लेकर 1 liter तक के जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है मुख्यतः यहां पर हमारे कॉलेज में हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन यदि विशेष यदि आवश्यकता होती है, यदि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आयतन बनाना है तो उन परिस्थितियों में जो है 2.5 liter और 5 liter के वॉल्यूमेट्रिक भी उपलब्ध बाजार में रहते हैं। लेकिन जहां तक कॉलेज या फार्मेसी की रसायनशाला या लेबोरेटरी की या प्रयोगशाला की यदि हम लोग बात करें तो औसतन जो है 250 ml और अधिकतम 500 ml तक के जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में यह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है यह 100 ml का है और यह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है यह क्या है, यह 250 ml का है ना। इसी तरीके से इससे जो छोटे साइज के जो है छोटे आयतन के भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क
जो है वह क्या है, वह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो है क्या देखा, हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखा। अब यदि कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो यहां पर यह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क जैसा शायद पहली नजर में हमें दिख सकता है। तो यहां पर इस फ्लास्क को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। इसमें एक निश्चित वॉल्यूम तक हम लोग विलयन भरते हैं और यहां पर इस तरीके से यदि हम देखें तो यह कोन के आकार का है। यह कैसा है, कोन के आकार का, त्रिभुजाकार, पिरामिड जैसा है ना। और पिरामिड में हम जानते हैं कि कोन होते हैं, तो इस तरीके से यह दिखने में कोनाकार होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। और यह जो कोनिकल फ्लास्क है यह भी अलग अलग आयतन के होते हैं, अर्थात यह 25 ml से लेकर जो है 1 लीटर आयतन तक मुख्यतः यहाँ पर लैब में इस्तेमाल किए जा सकते जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आवश्यकता के अनुसार जो है यह अलग अलग आयतन में उपलब्ध होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि यह 250 ml है, यदि इस पर 250 ml लिखा हुआ है तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर मार्क बना हुआ है 100 ml, 150 ml, 200 ml और 250 ml। अर्थात यदि हम यहां पर इस 250 ml तक किसी विलयन को भरते हैं तो 250 ml तक विलयन को भरने पर यह जो है इस 250 ml के मार्क तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि बीकर और कोनिकल फ्लास्क में जो यह चिन्ह बने हुए हैं यह अप्रॉक्सीमेट अनुमानतः हमें पता चलते। अर्थात यदि यहाँ पे 250 ml है तो यहाँ पर यदि मैं 250 ml यदि जल या कोई विलायक या विलयन भरता हूँ तो वह लगभग इसके आसपास, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। इसीलिए इसमें इस मार्क तक विलयन भरने पर यह क्या है, एक प्रकार से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें, अप्रॉक्सीमेट जो है वॉल्यूम हमें बताता है, यह हमें एग्जैक्ट जो है वॉल्यूम नहीं बताता है। तो इस तरीके से यह कोनिकल फ्लास्क है। और हमें याद रखना है कि इन कोनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल कब करते हैं, तो यहां पर हम लोग विलयन बनाने तथा विलयन को स्टोर करके रखने, कुछ समय तक स्टोर करके रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा कक्षा 11वीं और 12वीं में जब आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा। तो जब आपने टाइट्रेशन किया होगा तो टाइट्रेशन में हमने देखा है कि टाइट्रेशन में हम लोग जो है एक विलयन को ब्यूरेट से हम इस कोनिकल फ्लास्क में गिराते हैं और कोनिकल फ्लास्क जो है उसमें इस तरीके से हम लोग टाइट्रेशन करते। और इस कोनिकल फ्लास्क की सबसे खास बात यह है कि इसे इसकी नेक से पकड़ना भी आसान है और इसका जो बॉटम है वह फ्लैट होता है, तो इसीलिए इसके लुढ़कने की जो आशंका बनी हुई होती है, इसके लुढ़कने की आशंका लगभग खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से यह जो ग्लासवेयर है वह होता है कोनिकल फ्लास्क। आइए आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम कोई भी विलयन बनाए पर जब हमें एक विलयन को दूसरे विलयन में यदि ट्रांसफर करना है तो आप इस ग्लासवेयर के बिना, जिसे हिंदी में चुंगी कहा जाता है और वैसे इसे फनल कहा जाता है ना, जैसे चुंगी भी कहते हैं कई जगह हिंदी में, लोकल भाषा में कई जगह छानने वाली कीप भी कहते हैं, और आपने रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम में आपने इसे कीप, इसका जो नाम है आपने कीप पढ़ा होगा। तो यह क्या है, यह फनल है। यह जो फनल है वह दो तीन प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनी होती है, अर्थात यह तो ग्लास से बनी हुई है इसीलिए हम इसे ग्लास फनल कहते हैं। अदरवाइज साधारणतः यह प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है और कुछ विशेष प्रकार के प्रयोगों के लिए जो है यह जो है सेरेमिक, जिसे हम लोग कहते हैं सेरेमिक, से भी मिलकर बनी हुई होती है। तो इस तरीके से जो यह है क्या है, यह कीप या इसे हम लोग फनल कहते हैं। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हमारे यहां पर या साधारणतः प्रयोगशाला में अलग अलग साइज की फनल होती है। तो जब भी हम लोग इन फनल का इस्तेमाल करें तो यहां पर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है कि किस प्रकार के विलयन, किस आयतन के विलयन के छानने के लिए,
जो है हमें क्या करना होता है, हमें किस प्रकार के कीप या किस प्रकार के फनल का इस्तेमाल करना है। यह जो फनल है, इस फनल को हम साधारणतः हम इसे छोटी फनल और इसे बड़ी फनल कहेंगे, है ना। लेकिन यहां पर यदि साइंटिफिक लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर जो है हमेशा छोटी फनल या बड़ी फनल न कहकर यहां पर फनल को उनका जो डायामीटर है, हम सभी जानते हैं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह डायामीटर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग व्यास कहते हैं। तो यहां पर यह जो डायामीटर है, डायामीटर के आधार पर हम इस कीप या फनल को नापते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम यहां पर देखें तो यह जो है 2 इंच, यह क्या है, यह 2 इंच की फनल है। और वहीं पर यदि हम यहां पर देखें तो यह जो है करीब करीब 5 इंच की फनल है। तो इस आधार पर जो है कीप या जो फनल है उन्हें क्या है, उन्हें हम लोग जो है यहां पर इंच जो है इनकी जो व्यास है, व्यास के आधार पर हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग बांटते हैं, मतलब इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह जो अभी आपने देखा यह है कीप या इसे हम लोग कहते हैं ग्लास फनल। और यह भी समस्त, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी ग्लासवेयर होते हैं वह सभी ग्लासवेयर रसायन शास्त्र या यहाँ फार्मेसी में हम लोग बोरोसिलिकेट कांच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यह भी जो है यह भी बोरोसिलिकेट कांच की ही बनी हुई होती है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा अगला ग्लासवेयर, और वह है और अगला ग्लासवेयर है और वह है यह। तो कहीं ना कहीं यदि आप इसे गौर से देख रहे होंगे तो देखने में यह मुझे बहुत हद तक जो है इस कोनिकल फ्लास्क जैसा ही लगता है। और अक्सर जो छात्र लोग हैं इन दोनों प्रकार के फ्लास्क में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर देखने में यह दोनों पिरामिड जैसे, दोनों जैसे कोन जैसे है, इसीलिए इन्हें हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसे यह भी कोनिकल फ्लास्क का एक प्रकार है, लेकिन इसे एक विशेष प्रकार के अभिक्रिया या विशेष प्रकार के प्रक्रम में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी प्रक्रिया के आधार पर इसका नाम पड़ा है आयोडीन चैम्बर, सॉरी इसे कहते हैं आयोडीन फ्लास्क। इसे क्या कहते हैं, आयोडीन फ्लास्क। आयोडीन के बारे में आपने सभी ने सुना है, आयोडीन क्या है, है ना। यदि आपने आयोडीन नहीं भी देखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर इसी श्रृंखला में, यह जो हमारी वीडियो की जो श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में हम लोग जो है आयोडीन और जो दूसरे जो तत्व है, है ना, अक्सर आप लोगों ने आवर्त तालिका पढ़ी है, आप लोगों ने क्या है, आवर्त तालिका पढ़ी है। और आवर्त तालिका में हम लोग 118 तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और उन 118 तत्वों में से बमुश्किल हम 3 या 4 ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं या देख पाते हैं या हमने देखा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर लोहा, सोना, चांदी, तांबा, है ना, इस तरीके से जो है कैल्शियम। लेकिन यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कैल्शियम आपने देखा है वह कैल्शियम नहीं है, वह बल्कि उसका यौगिक है जिसे हम लोग चूना, यानी साधारणतः चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। तो यह वह कैल्शियम धातु नहीं है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर निश्चिंत रहिए, इन वीडियो श्रृंखला में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो तत्व जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग छू सकते हैं, उन्हें उन पर भी हम लोग बात करेंगे और उन्हें भी हम लोग देख कर पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से आवर्त तालिका में 118 तत्व होते हैं, और उन 118 तत्वों को हम जानते हैं कि उन 118 तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, और मेटलॉइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और उन्हीं नॉन मेटल्स में, उन्हीं अधातु में जो है आप लोगों ने हैलोजन फैमिली का नाम जरूर सुना होगा, है ना, ग्रुप 17, है ना, 17वें ग्रुप, आवर्त तालिका के 17वें ग्रुप में ग्रुप 17 जो है उसकी जो मेंबर्स है उन्हें हैलोजन कहते हैं। और उन्हीं हैलोजन में आपको याद होगा पहला आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो आयोडीन जो है वह रूम के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है, है ना, और वह चमकदार होता है। इसीलिए कभी ना कहीं आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूर पढ़ा होगा कि आयोडीन इज अ ओनली नॉन मेटल हैविंग अ मेटलिक लस्टर,
आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें धातु जैसी चमक होती है ना, तो लेकिन वह जो धातु जैसी चमक वाला जो आयोडीन होता है उसकी खास बात यह होती है कि वह रूम के तापमान पर ठोस रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा सा 25 डिग्री 30 डिग्री से बढ़ना चालू हो जाता है वैसे वैसे वह भाप यानी वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैसीय अवस्था में यदि परिवर्तित होता है तो कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा, वह अभिक्रिया से बाहर निकलेगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है हमारी अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी पर फर्क आएगा। तो इसीलिए जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, है ना, यह टाइट्रेशन का विभिन्न प्रकार है, और निश्चिंत रहिए इस पर भी हम लोग बहुत जल्दी ही वीडियो श्रृंखला लाने वाले हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो उस आयोडो और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडीन का इस्तेमाल होता है या आयोडीन का परीक्षण होता है, तो वह आयोडीन कहीं एस्केप आउट ना हो जाए, इसीलिए जो है हम टाइट्रेशन इस कोनिकल फ्लास्क, लेकिन कौन सा कोनिकल फ्लास्क, जिस पर इस तरीके का स्टॉपर लगा हुआ होता है ना, तो इस तरीके से ये इस स्टॉपर का जो इस्तेमाल है वह गैसेस को, यह केवल आयोडीन के लिए ही नहीं, बहुत सारी ऐसे अभिक्रिया या टाइट्रेशन होते हैं जिसमें कई बार गैस एज ए प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है हम इन तरीके के फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग आयोडीन फ्लास्क कहते हैं। और यह आयोडीन फ्लास्क भी अलग अलग, यह आयोडीन फ्लास्क क्या है, यह भी अलग अलग आयतन यानी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। जैसे अभी मैंने जो हाथ में यह जो पकड़ कर रखा है यह 100 ml वॉल्यूम का है। तो इस तरीके से जो है इनका इस्तेमाल हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं। और जब बात टाइट्रेशन की आती है तो टाइट्रेशन में बिना इस एपरेटस के, बिना इस ग्लासवेयर के टाइट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, और आप सभी जानते हैं कि इस एपरेटस को हम क्या कहते हैं, इस ग्लास एपरेटस को हम लोग कहते हैं ब्यूरेट, इसे क्या कहते हैं, ब्यूरेट। और आपने कक्षा 11वीं और 12वीं में जरूर किया होगा कि इस एपरेटस को हम लोग एक लोहे के स्टैंड पर टांग देते हैं जिसे हम लोग ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं, और जब यहां पर हम लोग इस ब्यूरेट स्टैंड पर ब्यूरेट को लगाते हैं तो आपने देखा होगा यहां पर इसमें हम एक तरल पदार्थ यानी विलयन भरते हैं, यदि आपने टाइट्रेशन किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे। और यह जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट की खास बात यह होती है कि जो ब्यूरेट फिलहाल मैंने हाथ में पकड़ के रखी है इसमें इसका जो आयतन है वह 50 ml का है, 50 ml का है, और इस 50 ml यानी यहां पर 50 ml का एक मार्क बना हुआ है, अर्थात हमें क्या करना है, यहां पर कीप यानी फनल के माध्यम से विलयन को भरना है और इसे ब्यूरेट स्टैंड पे टांग देते हैं। और आप जानते हैं कि यहां पर एक नीचे जो है एक ओपनर होता है, यह ब्यूरेट स्टैंड का ओपनर है, नॉब है, और इस ओपनर को खोलने से जो है यहां से क्या होगा, विलयन धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अब जब हम टाइट्रेशन आगे करेंगे तब समझ में आएगा कि यहां पर जब हम इसे खोलते हैं तो जितना वॉल्यूम, जितना विलयन का आयतन नीचे गिरता है उस आधार पर हम लोग जो है टाइट्रीमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, और हम एक विलयन के सांद्रता पता होने से दूसरे विलयन की सांद्रता हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यह जो ग्लासवेयर है, इस ग्लासवेयर को हम लोग कहते हैं ब्यूरेट, और इसका इस्तेमाल मुख्यतः दो चीजों में होता है, पहला तो टाइट्रेशन में और दूसरा है कैलिब्रेशन में। अभी कैलिब्रेशन क्या है इस पर भी बहुत जल्दी हम लोग एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा द कैलिब्रेशन ऑफ द ग्लासवेयर, कि ग्लासवेयर जो है इनका कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है और कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है ना। तो इस तरीके से यह जो ग्लासवेयर है यह क्या है, यह है ब्यूरेट। तो यहां पर यह 50 ml के वॉल्यूम वाला ब्यूरेट है, आवश्यकता पड़ने पर जो है 100 ml, है ना, लगभग इतना बड़ा भी है ना, 100 ml के आयतन वाला ब्यूरेट जो है वह भी इस्तेमाल होता है, और कुछ विशेष प्रकार के एक्सपेरिमेंट में हम जो है 25 ml वॉल्यूम वाला जो है कई बार उसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती, पर जनरली जो है साधारण तौर पर लैब में हम 50 ml वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम वाले ब्यूरेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला जो ग्लासवेयर है वह है फ्लास्क।
यह भी फ्लास्क है, बट यदि आप इसका बॉटम देखें, यदि आप इसका बॉटम देखें, तो बॉटम देखने पर जो बॉटम है यह कैसा है, यह पूरी तरीके से राउंड है। यह क्या है, यह पूरी तरीके से राउंड है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। अब यदि यह दोनों ही राउंड बॉटम फ्लास्क है, लेकिन जो दोनों है दोनों का इस्तेमाल थोड़ा सा अलग अलग है, क्यों, क्योंकि इनके जो दोनों के जो माउथ है, इन दोनों के माउथ अलग अलग है। यदि आप इसके माउथ की बात करें, यदि हम इसके माउथ की बात करें, तो इसका जो माउथ है वहां पर जो है कंडेंसर, जो है कंडेंसर को इंसर्ट करने के लिए बना हुआ है। मीन यहां पर जो है, चाहे तो सॉक्सलेट या जो कंडेंसर है या जो एल ट्यूब होती है, उसे हम लोग यहां पर फिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, इसका इस्तेमाल खासकर किया जाता है, खासकर ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या हो, जिसमें पर्टिकुलरली गैस का इन्वॉल्व, गैस इवॉल्व हो रही हो, और उनके लिए यहां पर जो है हम कॉर्क या रबर स्टॉपर जो होते हैं उन्हें इंसर्ट करके इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल दो कहने के लिए यह दोनों ही क्या है, कहने के लिए यह दोनों ही राउंड बॉटम फ्लास्क है, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल है अलग अलग पर्पस से किया जाता है। और यहां पर यदि हम लोग इस राउंड बॉटम फ्लास्क की यदि हम बात करें, तो यह जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, सर्टेनली यह बोरोसिलिकेट तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसकी जो वॉल होती है वह काफी थिक होती है, क्योंकि इस राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज हम लोग किस लिए करने वाले हैं, हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए करने वाले हैं, इसका यूज हम लोग जो है कंडेंसेशन के लिए करने वाले हैं, इसका यूज हम लोग उन केमिकल रिएक्शन के लिए करते हैं जहां पर जनरली टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर ग्लासवेयर को यूज करने के लिए नो डाउट वह इतने मजबूत तो होने चाहिए कि वह टेम्परेचर के सडन चेंज, जिसे हम लोग थर्मल शॉक कहते हैं, उसे भी क्या कर सके, उसे भी वो टॉलरेट कर सके। तो इस तरीके से यह है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो यह है राउंड बॉटम फ्लास्क। आइए देखते हैं अब हमारा अगला ग्लासवेयर। हमारा अगला ग्लासवेयर है यह स्ट्रक्चर, और मुझे यकीन है इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने सबसे पहले क्लास 9th में देखा होगा। अब आप कहेंगे सर इतनी पुरानी बातें आप क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान या साइंस की जो एक्चुअल जो शुरुआत है वह क्लास 9th से होती है, क्योंकि क्लास 9th में पहली बार हम लोग जो है विज्ञान को केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। और जब वहां पर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या आर थिंग्स अराउंड अस प्योर। और जब आर थिंग्स अराउंड अस प्योर जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर आपको याद होगा कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके के सेपरेटिंग फनल का नाम पड़ा होगा। तो यदि हमें दो इमिसिबल लिक्विड, जो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, एक दूसरे में घुलते नहीं है, उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वाटर में ऑयल मिला दे, या गलती से आप मान लीजिए कि गलती से जो है एक लीटर तेल है, और किसी घर में एक्सीडेंट के कारण या कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण से अचानक उसमें एक लीटर पानी मिक्स हो गया। अब एक लीटर यदि उसमें पानी मिक्स हो गया, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो तेल होता है, साधारणतः सभी तेलों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अधिकांश जो तेल होते हैं उनकी डेंसिटी ऑयल्स, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वह ऊपर तैरते हैं और पानी नीचे रहता है। तो यदि आप उस तेल को फेंक नहीं सकते, कि मान लीजिए आपके पास में उतना ही तेल है और आपको उसको इस्तेमाल करना है, तो हम उसे फेंक नहीं सकते, तो उसे हम क्या करेंगे, उसमें से
पानी को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और जब आप पानी को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटिंग फनल की आवश्यकता होती है। तो वहां पर ऑयल और जो पानी है वह एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, एक दूसरे में घुलते नहीं है, इसीलिए हम इमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। तो इस तरीके से इमिसिबल लिक्विड के को यदि आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। क्या होता है, यहां पर हमने दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया और इस तरीके से यह जो ट्राइपॉड है ना, यह जो स्टैंड है ट्राइपॉड स्टैंड, इसके ऊपर हमने इसको टांग दिया। उसके बाद में हम थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ऐसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा कि नीचे पानी होगा, ऊपर ऑयल होगा, और दोनों की लेयर हमें यहां पर क्या है, साफ साफ दिख सकती है। ऊपर का ऑयल है, नीचे का पानी है। अब बहुत ही सावधानी से जो है हम क्या करेंगे, इसे धीरे 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 इस तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे, और जब हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा, यहां से ऑयल जो है धीरे 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 यहां से टपकते हुए निकलना चालू हो जाएगा, और माफ कीजिएगा, पानी यहां से धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ऑयल यहां तक आता है, यहां पर आने पर सावधानी से हम इस नॉब को बंद कर देंगे, और इस तरीके से अब क्या होगा, यहां पर इसमें ऑयल है और पानी बाहर निकल गया। तो जब दो इमिसिबल लिक्विड को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें इस ग्लासवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सेपरेटिंग फनल।